लेक्चर नंबर 4 कॉम्प्लीमेंटों के सेट। किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट्री सेट क्या होता है? लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट एंड ए इज द सबसेट ऑफ यू, देन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ यूनिवर्सल सेट विच आर नॉट द एलिमेंट ऑफ ए। इट इज डिनोटेड बाय ए डैश। मतलब समझिए, ये आपकी क्लास है, मीन्स यूनिवर्सल सेट है, ये आपकी क्लास है, ये यूनिवर्सल सेट है। इसमें जो बॉयज का सेट है उसको मैं ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो यहां कॉम्प्लीमेंट क्या, लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट, ये यूनिवर्सल सेट हो गया। ए इज द सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट, ए इसका सबसेट हो गया। अगर यहां मैं ए का कॉम्प्लीमेंट सेट फाइंड करूं जिसको ए डैश से रिप्रेजेंट किया जाता है, वो सारे एलिमेंट यूनिवर्सल सेट के जो ए में नहीं बिलोंग कर रहे हैं, तो पूरी क्लास में से बॉयज को हटा दो तो ए डैश किसका सेट बचेगा? गर्ल्स का। पूरी क्लास यूनिवर्सल सेट, ए बॉयज का सेट, तो आपको ए का कॉम्प्लीमेंट सेट फाइंड करना है। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग चले, कॉम्प्लीमेंट सेट वो सेट है जिसके एलिमेंट यूनिवर्सल सेट में तो बिलोंग करेंगे लेकिन ए में बिलोंग नहीं करेंगे। एक तरह से यूनिवर्सल सेट में से ए को क्या कर देना है? माइनस कर देना है। तो कॉम्प्लीमेंट्री सेट को ए डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, इसमें वो सारे नंबर आते हैं जो यूनिवर्सल सेट में है लेकिन ए में नहीं है, और इसको ए डैश इक्वल टू यूनिवर्सल सेट माइनस ए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ए डैश इक्वल टू यू माइनस ए, कॉम्प्लीमेंट्री सेट की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है देखिए। सबसे पहले प्रॉपर्टी कॉम्प्लीमेंट लॉ। कॉम्प्लीमेंट लॉ का मतलब समझिए, आपकी क्लास यूनिवर्सल सेट है, ए बॉयज का सेट है, तो ए डैश किसका सेट होगा? गर्ल्स का। यूनिवर्सल सेट में से इसको माइनस कर दिया। अगर मैं ए और ए डैश का यूनियन कर दूं, यूनियन का मतलब होता है दोनों को एक साथ लिखना, अगर दोनों को एक साथ लिखो तो ये वापस क्या बन जाएगा? यूनिवर्सल सेट। इसका मतलब हुआ ए यूनियन ए डैश हमेशा यूनिवर्सल सेट होता है। सेम इसी टाइप से ए अगर बॉयज का सेट है तो ए डैश किसका सेट होगा? गर्ल्स का। अगर मैं दोनों में कॉमन लू तो बॉयज और गर्ल्स में कोई नंबर कॉमन नहीं होगा, इसका मतलब ए और ए डैश का इंटरसेक्शन हमेशा 5 के इक्वल होता है। एक तरह से ए और ए डैश हमेशा डिसजॉइंट सेट होते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी डी मॉर्गन लॉ। डी मॉर्गन लॉ देखिए, यहां पे ए और बी यूनियन में, या ए और बी इंटरसेक्शन में, ए यूनियन बी के होल का कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी के होल का कॉम्प्लीमेंट अलग अलग पर कॉम्प्लीमेंट लग जाता है, यूनियन इंटरसेक्शन में चेंज हो जाता है और इंटरसेक्शन यूनियन में चेंज हो जाता है। डी मॉर्गन प्रॉपर्टी में अगर आपको ट्रू सेट यूनियन या इंटरसेक्शन से कनेक्ट है और उसी का पूरे का कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं तो उनका जो रिजल्ट है अलग अलग कॉम्प्लीमेंट के इक्वल होता है, लेकिन अगर यूनियन का निकाल रहे हैं तो इंटरसेक्शन के इक्वल होता है और इंटरसेक्शन का निकाल रहे हैं तो यूनियन के इक्वल होता है। थर्ड प्रॉपर्टी लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंट।
एवं कॉम्प्लीमेंशन, किसी की कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट्री सेट निकाल रहे हैं, तो वापिस वही सेट आ जाता है, ए डेज का डेज अगेन यू के बराबर, ए के बराबर होता है। लास्ट जो लॉ है, लॉ ऑफ एम्प्टी सेट एंड यूनिवर्सल सेट, एम्प्टी सेट को पाई से रिप्रेजेंट करते हैं और यूनिवर्सल सेट को यू से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए दोनों का मतलब समझिए, फाई का मतलब एक भी एलिमेंट नहीं और यूनिवर्सल सेट का मतलब ऑल एलिमेंट, एक तरह से एक दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, ये पूरा खाली, ये पूरा भरा हुआ है, इट इज एम्प्टी, इट इज फुल। इसका मतलब क्या होगा, फाई का कॉम्प्लीमेंट हमेशा यूनिवर्सल सेट होगा, यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट हमेशा क्या होगा, फाई होगा। कॉम्प्लीमेंट मतलब तो उसके बचा, अलावा बचा हुआ। तो लॉ ऑफ एम्प्टी सेट एंड यूनिवर्सल सेट, फाई डेज हमेशा यूनिवर्सल सेट के इक्वल होता है, यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट हमेशा फाई के इक्वल होता है। देखिए आपको एक एग्जांपल गिवन है, एक यूनिवर्सल सेट दे रखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 to 9 एलिमेंट गिवन है। ए सेट गिवन है 1 2 3 4, बी सेट गिवन है 2 3 4 5, सी सेट गिवन है 4 5 6 7। सबसे पहले आपसे पूछा है कि ए डेज फाइंड करो, तो ए डेज का मतलब क्या हुआ, यूनिवर्सल सेट में से ए माइनस, यूनिवर्सल सेट 1 2 3 9 एलिमेंट, ए सेट 1 2 3 4, अब इन दोनों को माइनस करेंगे तो 1 2 3 4 दोनों में से माइनस हो जाएगा, पहले सेट के रिमेनिंग एलिमेंट 5 6 7 8 9, दिस इज ए डेज। आपसे कहा जाए ए डेज का डेज फाइंड करो, मीन्स आपको यूनिवर्सल सेट में से ए डेज माइनस करना है, और ए डेज पहले फाइंड कर चुके हैं, नहीं हो तो पहले ए डेज फाइंड करना फिर ए डेज का डेज फाइंड करना, 1 2 3 4 up to 9 माइनस ए डेज की वैल्यू 5 6 7 8 9, माइनस करने पे क्या रहा 1 2 3 4, जो वापिस किसकी इक्वल है, ए की इक्वल है। इसी तरह से आपसे पूछे बी माइनस सी का डेज फाइंड करो, तो फर्स्ट फाइंड बी माइनस सी, बी में से सी माइनस कीजिए 2 3 4 5 माइनस 4 5 6 7, तो देखिए बी में से सी माइनस किया तो 4 5 माइनस हो गया, फर्स्ट सेट के रिमेनिंग में 2 3। अब आपको बी माइनस सी का डेज फाइंड करना है, मीन्स आपको यूनिवर्सल सेट में से बी माइनस सी को माइनस करना है, यूनिवर्सल सेट क्या है यहाँ पे 1 2 3 4 up to 9, और b माइनस सी कितना है 2 3, तो माइनस करने पे क्या बचेगा 1 4 5 6 7 8 9। इस तरह से आप किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट्री सेट फाइंड कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है डी मॉर्गन प्रॉपर्टी पे बेस्ड है, आपको भी डी मॉर्गन प्रॉपर्टी बताई थी कि आपको ए और बी यूनियन में गिवन है, आप इस पूरे का डेज फाइंड कर रहे हैं, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी के अंदर था आपके ए डेज बी डेज, और यूनियन किस में चेंज हो जाता है, इंटरसेक्शन में। अगर यहां यूनियन है तो यहां इंटरसेक्शन आएगा, और यहां अगर इंटरसेक्शन है तो यहां पे क्या आएगा यूनियन, पूरे होल का कॉम्प्लीमेंट अलग अलग के कॉम्प्लीमेंट के इक्वल होता है, लेकिन यहां यूनियन है तो इंटरसेक्शन आएगा, और इंटरसेक्शन है तो यहां यूनियन आएगा। इस प्रॉपर्टी का क्या नेम है, डी मॉर्गन प्रॉपर्टी। इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है ये यूनिवर्सल सेट है,
वन टू थ्री फोर फाइव नाइन तक, ए सेट दे रखा है आपको थ्री फोर फाइव सिक्स, बी सेट गिवन है फोर फाइव सेवन एट, और आपको इन दोनों रिजल्ट को वेरीफाई करना है। तो देखिए डी मॉर्गन प्रॉपर्टी का जो पहला रिजल्ट है ए यूनियन बी का होल डेज, ए डेज इंटरसेक्शन बी डेज, इसको वेरीफाई करें। एलएचएस को सोल्व करने के लिए सबसे पहले अपन ए यूनियन बी फाइंड करेंगे, ए की वैल्यू और बी की वैल्यू का यूनियन कीजिए, दोनों का यूनियन करने पे आ रहा है थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट। अब इसका कॉम्प्लीमेंट निकालें, ए यूनियन बी का होल डेज मतलब यूनिवर्सल सेट में से ए यूनियन बी को क्या करना है माइनस, यूनिवर्सल सेट है वन टू थ्री से नाइन तक है और ये आपके थ्री फोर से एट तक है, दोनों को माइनस किया तो वन टू नाइन बच गया, दिस इज एलएचएस। अब आरएचएस के अंदर पहले आपको ए डेज फाइंड करना होगा यू माइनस ए, फिर बी डेज फाइंड करोगे यू माइनस बी, फिर ए डेज इंटरसेक्शन बी डेज फाइंड करोगे, और फिर आप देखोगे एलएचएस आरएचएस इक्वल आ रहा है। तो देखिए यहां पे यू में से ए माइनस करें, यू आपके वन टू नाइन तक है, ए थ्री फोर फाइव सिक्स है, तो माइनस करने में कितना है वन टू सेवन एट नाइन, यू में से बी माइनस है वन टू नाइन में से बी आपके फोर फाइव सेवन एट है, माइनस करने में कितना आ रहा है वन टू थ्री नाइन। नो फाइंड ए डेज इंटरसेक्शन बी डेज, ए डेज की वैल्यू क्या है, ए डेज की वैल्यू वन टू सेवन एट नाइन इंटरसेक्शन वन टू थ्री सिक्स नाइन। देखिए दोनों के अंदर कॉमन क्या आ रहा है, वन कॉमन टू कॉमन और नाइन कॉमन, सेम रिजल्ट, इसका मतलब दिस प्रॉपर्टी इज वेरीफाइड। ए यूनियन बी का होल डेज इक्वल टू ए डेज इंटरसेक्शन बी डेज, और इसी टाइप से सेकंड वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सेकंड वाले क्वेश्चन में पहले अपन एलएचएस के अंदर ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करेंगे, फिर इसका कॉम्प्लीमेंट्री सेट फाइंड करेंगे, और आरएचएस के अंदर ए डेज और बी डेज जो फाइंड हुआ है उसका क्या लेंगे यूनियन, सेम एलएचएस इक्वल टू आरएचएस आ जाएगा। अब आपको कॉम्प्लीमेंट्री सेट के अंदर अगर वेन डायग्राम बनाना हो, फॉर एग्जांपल आपको ए यूनियन बी के होल डेज का वेन डायग्राम बनाना है, किसको वेन डायग्राम के अंदर रिप्रेजेंट कीजिए, तो ए यूनियन बी के होल डेज का मतलब होता है यूनिवर्सल सेट माइनस ए यूनियन बी, रेक्टेंगल यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करता है, दिस सेट इज ए दिस सेट इज बी। देखिए डेफिनेशन से क्लियर हो रहा है कि पूरे यूनिवर्सल सेट में से ए यूनियन बी का जो रिजल्ट है उसको माइनस कर दीजिए, ये पूरा यूनिवर्सल सेट और ये ए यूनियन बी का रिजल्ट, दिस रिजल्ट इज रिप्रेजेंट बाय ए यूनियन बी, और ये ए सेट और ये बी सेट, ये पूरा यूनिवर्सल सेट है। जब आप इस रिजल्ट में से इस रिजल्ट को माइनस करोगे तो इस सेटेड वाले पोर्शन को इसमें से माइनस कर दोगे तो कौन सा पोर्शन बच जाएगा,
ए यूनियन बी का होल डैश, ए यूनियन बी के अलावा जो यूनिवर्सल सेट का पोर्शन बचा हुआ है वो है ए यूनियन बी का होल डैश। ये पूरा यूनिवर्सल सेट, ये शेडेड पोर्शन ए यूनियन बी, दोनों को सेपरेट कर रहे हैं, तो इस पोर्शन के अलावा जो पोर्शन बचेगा वो ए यूनियन बी का होल डैश। इसी टाइप से अगर आपको ए इंटरसेक्शन बी के होल डैश को रिप्रेजेंट करना है तो ये जो आपके पूरा यूनिवर्सल सेट हो गया, माइनस क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश यूनिवर्सल सेट माइनस ए इंटरसेक्शन बी होता है, ए सेट बी सेट और ये इन दोनों का कॉमन पार्ट, तो कॉमन पार्ट को रिप्रेजेंट करते हैं ए इंटरसेक्शन बी से, और जब पूरे पार्ट में से इसको माइनस करेंगे तो कौन सा पार्ट रह गया, इस कॉमन पार्ट के अलावा पूरे पार्ट को सेटेड कर दो, इस पार्ट के अलावा पूरे पार्ट को सेटेड करने में जो पोर्शन मिलेगा वो हो जाएगा आपके ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश। सेम इसी टाइप से अगर आपको ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश को वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करना है तो ध्यान देना यहां ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश है तो आप क्या करोगे, सबसे पहले इसको डी मॉर्गन प्रॉपर्टी से होल डैश में कन्वर्ट करोगे, और डी मॉर्गन प्रॉपर्टी क्या थी कि यहां इंटरसेक्शन है तो यहां क्या आएगा यूनियन और पूरे का डैश। इसका मतलब जो वेन डायग्राम इसका बनेगा सेम वो वेन डायग्राम इसका बनेगा, और ए यूनियन बी के होल डैश का वेन डायग्राम बना चुके अपन, ये रहा, इसका मतलब है इन दोनों का वेन डायग्राम सेम है। इसी टाइप से अगर आपको ए डैश यूनियन बी डैश का वेन डायग्राम पूछे तो इसको भी डी मॉर्गन प्रॉपर्टी से चेंज करोगे होल डैश में, और यहां यूनियन है तो यहां क्या आएगा इंटरसेक्शन। इसका मतलब यह हुआ अगर आपको ए इंटरसेक्शन बी डैश का जो वेन डायग्राम बना हुआ है वही वेन डायग्राम किसका बनेगा ए डैश यूनियन बी डैश का, तो दोनों का वेन डायग्राम एक ही है। तो इस टाइप से आप कॉम्प्लीमेंट्री सेट के वेन डायग्राम बना सकते हैं। आपको एक क्वेश्चन गिवन है, यू बी द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन ए प्लेन इफ ए इज द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स विथ एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री, व्हाट इज द ए। आपको एक क्वेश्चन गिवन है जिसमें यू दे रखा है द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स और ए सेट गिवन है द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन विच एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री, मतलब उनका एक एंगल 60 डिग्री से अलग है, तो इसका ए डैश क्या होगा। देखिए इसका जब हम सॉल्यूशन करें यूनिवर्सल सेट में जो ट्राइंगल दे रखे हैं इस ए के बेस पर डिसाइड कर रहा हूं, एक ट्राइंगल वो होगा ऑल एंगल 60 डिग्री, और एक ट्रायंगल होंगे एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री।
आपको ए दे रखा है उन ट्राइंगल का सेट जिसमें कम से कम एक एंगल 60 डिग्री से डिफरेंट है, उसी के बेस पर अपन यूनिवर्सल सेट को दो ट्राइंगल में कन्वर्ट कर रहे हैं। एक ट्राइंगल वो जिसमें सारे एंगल 60 डिग्री है और दूसरा टाइप वो जिसमें कम से कम एक एंगल 60 डिग्री से अलग है। अगर मेरे को एडीएस निकालना तो मैं यूनिवर्सल सेट में से ए को माइनस करूंगा, तो मैं इसमें से ये वाला पार्ट माइनस कर दूंगा, मतलब ये वाला पार्ट माइनस हो गया तो क्या बच गया? वो सभी ट्राइंगल जिनका ईच एंगल कितना है 60 डिग्री। तो ए डैश क्या बनेगा? द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन विच ईच एंगल 60 डिग्री, जिसके सभी एंगल 60 डिग्री है। इसी तरह से देखिए, आपको एक एक नंबर में कुछ पार्ट पूछ सकते हैं। कुछ पार्ट क्या पूछ सकते हैं बताओ? ए यूनियन ए डैश किसके बराबर होता है? ए इंटरसेक्शन ए डैश किसके इक्वल होता है? फाई डैश यूनियन ए किसके इक्वल होता है? यूनिवर्सल सेट इंटरसेक्शन ए किसके इक्वल होता है? तो अभी आपको एक एग्जांपल दिया था मैंने कि यूनिवर्सल सेट मतलब आपकी क्लास है, ए मतलब बॉयज का सेट है, तो ए डैश किसका सेट होगा? गर्ल्स का। ए बॉयज का सेट, ए डैश गर्ल्स का सेट, दोनों को यूनियन कर रहे हैं मतलब मिला के लिख रहे हैं, तो क्या बनेगी पूरी क्लास? पूरी क्लास का मतलब क्या हुआ? यूनिवर्सल सेट। बॉयज के सेट में से और गर्ल्स के सेट में से कॉमन ले रहे हैं, कॉमन कुछ आएगा क्या? नहीं आएगा, तो रिजल्ट क्या रहेगा भाई? सेम इसी तरह देखो, आपको नो कॉम्प्लीमेंट बताया था एम्प्टी सेट का और यूनिवर्सल सेट का। फाइव डेज का कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होता है? यूनिवर्सल सेट के। तो इस फाइव डेज की जगह क्या लिख सकते हैं? यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट कौन सा सेट होता है? जिसमें अदर सेट सारे मिले हुए होते हैं। इसका मतलब इसमें ए भी मिला हुआ है, तो ए को और मिलाने में इसमें कुछ फर्क पड़ेगा क्या? तो आपका आंसर क्या रहेगा? यूनिवर्सल सेट ही रहेगा। सेम इसी टाइप से यहां यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट पूछा है, जो क्या होता है? फाई। और फाई में से कुछ कॉमन लेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा? फाई आएगा। इस तरह से इन फिल इन द ब्लैंक को आप बेसिक कंसेप्ट से कंप्लीट कर सकते हैं। थैंक यू।